पे नौकरियों में हो रही धांधली को लेके लड़ रहे हैं। कई पड़ाव आए, कुछ कई बार हमारे लिए जीत भी मिली, कई बार थोड़ा सा मन कड़वा भी हुआ कि जांच के नाम पे FIR तो लगी लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उस सब से जो युवा है वो नाखुश था। जब नई परीक्षा आई तो एक टेंटेड कंपनी को फिर से जब परीक्षा के लिए बुलाया गया तो कुछ आश्वासन बड़े अधिकारियों की तरफ से, JKSSB के अधिकारी भी शामिल थे और रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के भी कोई डिपकॉम कोई डायरेक्टर ऐसे अधिकारियों के भी आश्वासन आए, उनकी जो उनकी अपॉइंटमेंट उसके लिए की गई, लेकिन वो पेपर भी लीक हुए, उनके आंसर की लीक हुई। आज जब वो मसला हालांकि कोर्ट में है, आज और पेपर, एक बहुत बड़ा पेपर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो कि पहले भी लीक हुआ था, वो जब दोबारा करवाने की बारी आई तो एक एपटेक कंपनी जो हाल ही में केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम और CBSE का एग्जाम करा रही थी उसको दिया गया है टेंडर, और JKSSB ने वो जो दोनों KVS का पेपर, KVTGT, KVPGT, PRTB जो कि लीक हुए, यहां तक कि PRTB का पेपर तो कैंसिल भी किया गया है, कल ही नोटिफिकेशन KVS की तरफ से आया है, उसके बावजूद भी JKSSB ने कोई संज्ञान नहीं लिया और पेपर उसी कंपनी के थ्रू जारी रखने का काम कर रही है। जो हमारा मसला हमने बाहर देखा कि किसको बताया जाए, तो सड़कों पे जब आए कि भाई पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं ताकि बताते हैं सरकार को कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो हमारे हाथ में तो तिरंगा था पर सामने सरकार के तंत्र का एक डंडा जिसका लाठी चार्ज हमारे साथियों पे हुआ, कई घायल हुए। बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर, और कई लोग परेशान हैं इस सारे जो प्रकरण हुआ। गिरफ्तारियां हो रही हैं, कल भी लगभग 200 जो एस्पिरेंट है उनको डिटेन किया गया, हमें हमारी बात रखने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा, और जब बात रख रहे हैं तो क्योंकि पता है इन्होंने चोरियां की हैं इसलिए ये उसको दबा रहे हैं। हम जिस भी अधिकारी के पास मिलते हैं वो एक ही इशारे इशारों में एक ही बात करता है, मेरे बस में नहीं है, भाई इतने हेल्पलेस कैसे। तो ये संभवतः कुछ ऊपर बैठे हुए अधिकारी, जैसे कि जो सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी, जस्टिस नरगाल साहब ने जो जजमेंट दी थी उसमें एक पैराग्राफ नंबर 19 में एक नाम आता है, लिखा जाता है, वर्ड आता है, चीफ ऑनरेबल जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उन्होंने डायरेक्ट किया है JKSSB को कि आप CPT मोड में एग्जाम करिए। जहां तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है और सुना है, मुझे वो कोई IT एक्सपर्ट नहीं महसूस नहीं होते, ना ही मुझे पता है कि है। अगर वो IT एक्सपर्ट हैं जो उन्होंने ये जानकारी दी कि भाई CPT मोड जो है वो सेफर मोड है, तो मुझे लगता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए जहां से उनको ये सर्टिफिकेशन मिली है कि वो IT एक्सपर्ट है, ये साबित करने के लिए। इसके बाद मसला जो वो मसला था, सरकार उस सारे प्रकरण से बचने के लिए डबल बेंच में जाती है। DB में जब हम जाते हैं तो DB में हमारा केस जो है जिसकी फाइनल हियरिंग हो चुकी है, और जस्टिस नरगाल साहब और जो MK चौधरी साहब हैं, MA चौधरी साहब, उनके बेंच में ये सुना गया है, और ताशी साहब, ताशी राबिस्तान जो जस्टिस ताशी राबिस्तान जो है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी थे हमारे, उन्होंने उनके उसमें बेंच में ही सुना गया। अभी उसका फैसला आएगा, हमारे वकील और सरकार के वकील तो AG साहब थे, जो JKSSB उनके भी वकील थे, वहां प्राइवेट कंपनी के भी वकील अभिनव शर्मा जी थे, हमारे वकील थे रोहित मट्टू जी, उन्होंने भी बात रखी, जो आर्ग्यूमेंट है वो हो चुके हैं, और हमें पूरा भरोसा है अपनी जुडिशियल जो जुडिशियरी है उसके ऊपर। फैसला जब भी आएगा समाज हित में होगा, देश हित में होगा, और जो पेटिशनर्स हैं उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा और ना ही होता आया है। लेकिन JKSSB नए हथकंडे अपना के अगले जो पेपर है वो भी एक प्राइवेट कंपनी, उसी कंपनी से जिसका हाल ही में सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ FIR नंबर 25 2023 ले,
जिसको एक एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हालांकि सरकार में क्योंकि एपटेक जो है एक बहुत बड़े बिग बुल राकेश झुनझुनवाला उनका मेजॉरिटी स्टेक है, कहीं ना कहीं देश की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी उनका अलाइनमेंट रहता है। ना जाने क्या हुआ कि जो ले में कार्रवाई चल रही है थोड़ी धीमी गति से चल रही है, लेकिन आप देखेंगे ये तो ले का है, ले में इनका सुपरवाइजर पकड़ा गया है एपटेक का। ये बहुत पुराना नहीं है, 21 फरवरी की बात है। इसके अलावा आप सीटेट की अगर बात करेंगे, सीटेट में वाराणसी में जो इसके अधिकारी जो इसका सिटी हेड गिरफ्तार हुआ, ये सीटेट का पेपर जो लीक हुआ था, मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। सीटेट के दो पेपर, एक प्राइमरी के लिए और एक जो मिडिल सेंट्रल को पढ़ाने के लिए टीचर लगते हैं उनका स्कोर, क्योंकि पेपर बिहार में लीक हुआ, रिपोर्ट किया गया। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने उन खबरों का खंडन करा और उनको दबाया, वीडियो एविडेंस तक वायरल हुए सोशल मीडिया पे, लेकिन दबाया। तो एक कोई जो वहां एस्पिरेंट है, इसका नाम जो है राजू कुमार है, इनका स्कोर कार्ड प्राइमरी के लिए जो इन्होंने पेपर दिया उसमें 150 में से 57 स्कोर इसका आता है। और ठीक चार दिन के बाद इसका मिडिल सेंट्रल के लिए जो पेपर होता है उसमें इसका 150 में से 112 नंबर आता है। सिलेबस सेम है, चौंकाने वाली बात ये एक है। इसके अलावा एक और ऐसा ही, ये अभिनंदन कुमार है, इनका स्कोर प्राइमरी के लिए 150 में से 48 आता है। और वही दूसरी और जब दूसरा पेपर दो चार दिन के बाद होता है तो 150 में से 115 उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये पेपर जिसकी बात मैं कर रहा हूं ये एपटेक ने कराया है, और ये सेम और सेम पैटर्न केवीएस में भी है। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मैं दिखा सकता हूं। ये देखिए, ये तो बड़ा विचित्र है, एक कोई ममता रानी जी है, ये बिहार से ही है। और इनका जब प्राइमरी का पेपर देते, माने जो पांच एक से पांचवी तक पढ़ाने वाले बच्चों के लिए जो क्वालिफिकेशन जो नॉलेज चाहिए उसमें इनको 150 से 28 नंबर आ रहे हैं। और जो मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि माने छठवीं से आठवीं तक के पढ़ानों के बच्चों को जो पढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए उसमें इनके पास 150 में से 124 नंबर आ रहा है। मैं आप सबको इसकी प्रातियां इसकी कॉपियां आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप चाहें तो उनको छाप भी सकते हैं, दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। हमारा बार बार जेकेएसएसबी के पास जाना विफल रहा है, हमारा बार बार जो सरकारी अधिकारी उनके पास जाना विफल रहा, इनको चेताना विफल रहा है, उसका कारण है ये सुन नहीं रही है सरकार। जो भी एस्पिरेंट्स आए बाहर आए हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि बात को दबाया जा सके, कंपनी को बचाया जा सके, ना कि युवाओं को। आगे की बात अतुल जी बताएंगे। धन्यवाद विंकल जी। तो विंकल जी ने आपको डिटेल में बता दिया कि आखिर कहां से ये मसला शुरू हुआ है, तो हम आपको मुख्य तौर पर बता दें कि आखिर हमारी चार मुख्य डिमांड्स हैं क्या, जो हमने जेकेएसएसबी से लेकर एडीसी जम्मू जब उन्होंने हमें बुलाया पहले दिन लाठीचार्ज के बाद उनके समक्ष भी रखी, कल डिपकॉम ऑफिस में डिपकॉम साहब के साथ भी वो चार डिमांड्स डिस्कस हुई हैं, जिसमें सबसे पहले जेकेएसएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया है कि यही ब्लैकलिस्टेड टेंटेड कंपनी आने वाले मुख्य एग्जाम करवाएगी, हम मांग कर रहे हैं कि उस कैलेंडर को जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। दूसरा, हमें ये कंपनी ही मंजूर नहीं है, इसने पास्ट में क्या किया, पास्ट में कितना इसको जुर्माना हुआ, पास्ट में कहां कहां किस किस राज्य ने इसको ब्लैकलिस्ट किया, उसको अगर छोड़ भी दे तो हाल ही में जनवरी और फरवरी के महीने में चाहे हमारे पास की पड़ोसी जो यूनियन टेरिटरी है ले का मसला उठा ले, नेशनल लेवल का केवी का मसला उठा ले, सीटेट का मसला उठा ले, वहां पर भी साफ देखा गया कि इस कंपनी के सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं बग है, यहां पर सिस्टम बाहर से ऑपरेट किए जा सकते थे और इन्होंने पेपर को लीक करवाया है। ऐसे में हम कभी भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी मांग यह है कि इस कंपनी को यहां से वापस भेजा जाए। तीसरी मांग कि जितने भी पेपर इस कंपनी ने करवाए हैं, क्योंकि इन्होंने जोर जबरदस्ती से JKPSI का एक महत्वपूर्ण एग्जाम इस कंपनी से करवाया है जो पहले भी लीक हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास इनपुट्स हैं
जो हम इंक्वायरी कमेटीज को या जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनको दे रहे हैं कि वो पेपर भी लीक था।